कहानी की शुरुआत फ्यूचर में होती है, जहाँ एक वुमन डॉम्स में कुछ लड़कियाँ दिखाई जाती हैं। वो सभी आपस में एक र्यूमर के बारे में बात कर रहे थे। उनके हिसाब से उनके स्कूल के नीचे कब्रिस्तान हुआ करता था और इससे चलते रात को भूत आया करते हैं। वहीं र्यूमर के बात सुनते ही वो सभी लड़कियाँ डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब हमारी कहानी की मेन लीड रिकू वहाँ आती है। वो उन सभी स्टूडेंट्स को शांत करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि रिकू किसी बात को लेकर निराश है। वो बालकनी में खड़े होकर किसी का इंतजार करने लगती है। वो किसी और का बल्कि हमारे कहानी का मेन लीड सुगुई का इंतजार कर रही है, जो इस वक्त दूसरे डायमेंशन में फंसा हुआ है। इसी के साथ हम सुगीन को देखते हैं, जो दूसरे डायमेंशन के पिरामिड जैसी जगह पर खड़ा होता है। यहाँ उसके सपोर्ट के लिए उसके मासूम सी बिल्ली भी मौजूद थी। सुगीन की नजर सामने की ओर जाती है, जहाँ 100 की तादाद में कई कंकाल जैसे जीव उसके तरह भागते हुए आ रहे हैं। सुगीन इस बात से हैरान था कि उन कंकाल की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद सुगुई पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो तेजी से उन सभी की तरह भागने लगता है। सुगीन अपने अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल से उन सभी कंकाल को चुन चुन कर मार रहा होता है। इसी बीच उसने अनगिनत कंकाल को मौत के घाट उतार दिया, पर कंकाल की फौज अपने तीर धनुष के साथ उस पर हमला कर देती है। यहाँ तीर को पास आते देख सुगीन अपने स्पेशल पावर्स को एक्टिवेट करके खुद को बचा लेता है। इसी तरह सुगीन फिर से उन सभी कंकाल को मारने लग जाता है। सुगीन पिछले कई रातों से इन कंकालों को सामना कर रहा है। वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो सभी कंकालों की खत्म करके अपनी असली मकसद को तरफ बढ़ सके। आखिर सुगीन इन सभी मामलों में फंसा कैसे? आखिर सुगीन का रिकू से क्या रिश्ता है? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में एक साल पीछे जाना होगा। सुगीन एक हाई स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था। वो ज्यादातर समय वीडियो गेम्स खेलने में निकाला करता था। वहाँ सुगीन शहर को नामी स्कूल में पढ़ाई किया करता था, जहाँ अमीर घर के बच्चे पढ़ने आया करते थे। हमारा सुगीन औरों से अलग गरीब था और उसे स्कूल में टीके रहने के लिए छोटे मोटे काम को करना पड़ता था, जैसे कि साफ सफाई करना, वॉच गार्ड की नौकरी करना और एटसेट्रा एटसेट्रा। इन्हीं कामों में से एक काम स्विमिंग पूल की सफाई करना भी था। सुगीन हर दिन की तरह स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है, मगर तभी स्कूल के कुछ बिगड़े लड़के सुगीन के पास आते हैं और वो उसे बुली करने लगते हैं। सबसे पहले उसके पालतू बिल्ली को स्विमिंग पूल में डूबने के लिए फेंक देते हैं। ये देखकर सुगीन की सांसें अटक जाती हैं और वो अपनी बिल्ली को बचाने के लिए पूल में कूद जाता है, मगर सुगीन को स्विमिंग नहीं करनी आती, जिसके कारण वो धीरे धीरे डूबने लगता है। इसी तरह सुगीन अपनी मौत के बिल्कुल नजदीक आ चुका होता है, मगर तभी वहां पर रिकू पहुंच जाती है और उस सही समय पर सुगीन की जान बचा लेती है। कुछ देर बाद जब सुगीन की आंख खुलती है तो तब वो अपने सामने रंशो को देखता है। पहली नजर में सुगीन को लगता है कि रंशो ने ही उसकी जान बचाई है, पर रंशो उसे सच्चाई से रूबरू करवाता है। वो उसे रिकू के बारे में बताता है, जो स्कूल की सबसे स्मार्ट और फेमस लड़कियों में से एक है। उसी ने सुगीन की जान बचाई थी। सुगीन जब काम कर रहा होता है तब उसे एक फ्लैशबैक दिखने लगता है। यहाँ वो देखते हैं कि जब वो पूल में डूब रहा होता है तब रिकू ने उसकी जान बचाई थी, मगर इसी बीच उन दोनों की किस भी हुई थी। ये सब सोचकर ही सुगीन शर्म से पिघलने लगता है। इसी के साथ हम फिर से फ्यूचर को देखते हैं, जहाँ सुगीन अभी भी उन कंकालों से लड़ रहा है। इस बार उनकी तादाद डबल हो चुकी है और उससे सामना करने के लिए तीन बड़े जायंट भी आ चुके हैं। वो तीनों एक साथ सुगीन पर हमला करते हैं, मगर सुगीन खुद को बचाते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इस तरह जमीन की गहराइयों से कई सांप कब्रिस्तान बाहर आने निकलने लगते हैं। सुगीन खुद को बचाने में कामयाब तो हो चुके, मगर वो सब खत्म किए बिना शांत नहीं रहने वाला। वो उन सभी को खत्म करके पूरी दुनिया और अपने सबसे खास इंसान को बचाने निकला है। अब सुगीन बिना देरी के उन सभी पर दोबारा हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इसी तरह हम पास्ट में फिर से जाते हैं, जहाँ इस बार रिको अपने सपने में एक शानदार पेड़ के नीचे खुद को बेहोश पड़ा हुआ देखती है। रियाना की बात ये थी कि उसका शरीर काफी छोटा भी था। वहीं जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने सुगीन को देखती है, जो खुद भी हाइट में छोटा था। देखते ही देखते उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई और कुछ ही पल में उनका कनेक्शन भी बन चला। बैक टू टाइमलाइन, सुगीन हर बार की तरह पार्क की सफाई करने आया हुआ था, मगर इस बार पार्क में दो बच्चे मजाक कर रहे थे, पर सुगीन के वहाँ आते ही वो उसकी परछाई से डर जाते हैं। इस कारण सुगीन को भूत समझकर वहां से तेजी से भागने लग जाते हैं। सुगीन हैरान है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। वो दोनों उसे देखकर भाग खड़े हुए। खैर सुगीन उन्हें इग्नोर करते हुए अपने काम पर लग जाता है, जहां वो सबसे पहले टीवी को ऑन करके उनमें वीडियो गेम्स को प्ले करता है। असल में सुगीन पिछले कई दिनों से डंगन नाम के गेम्स को खेल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि उसे इस गेम्स को खेलने की आदत है। वो हर रात इसी समय का इंतजार करता है, मगर ऐसा क्यों? असल में ये गेम मल्टीप्लायर RPG गेम होता है, जिसमें कई प्लेयर लाइव प्ले कर सकते हैं। और इसी चलते एक दिन सुगीन की मुलाकात रेना
नाम के प्लेयर से होती है। सुगिन ने पहली बार में रे को मॉन्स्टर से बचाया था, इसलिए वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब हर बार वो दोनों गेम के कई मिशन को साथ में करते हैं और इंजॉय किया करते हैं। वो एक बड़े खतरे से लड़ने ही वाला होता है कि तभी लाइट चली जाती है, इस तरह उसका गेम अधूरा रह जाता है। मगर सुगिन को ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। खंभे पर चढ़कर लाइट को ठीक करने पहुंच जाता है, पर उसे ये नहीं पता कि खंभे के सामने एक डॉम मौजूद है और उसी में हमारी कहानी की हीरोइन रियू रहा करती थी। जब सुगिन खंभे पर तारों को देख रहा होता है, तभी सामने एक बालकनी में रियू आ जाती है। इस तरह सुगिन को हम सामने देखते हैं कि रियू की दोस्त गलत समझ लेती है और वो उसे हमला करके नीचे गिरा देती है। अब अगले दिन सुगिन हर दिन की तरह काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर रियू पर पड़ जाती है जो अपने लैपटॉप पर डंगन गेम को खेल रही थी। सुगिन को उसकी बातों से मालूम पड़ जाता है कि वो गेम में जिस रियू के साथ खेल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद रियू थी। सुगिन अपने स्टेटस से वकीफ था, वो जानता है कि रियू और उसका स्टेटस बिल्कुल अपोजिट था। एक तरह रियू थी जो स्कूल के सबसे फेमस स्टूडेंट से एक थी, उसके पीछे जहाँ जाने कितनों की लाइन खड़ी रहती है। वहीं सुगिन उसके ठीक उल्टा एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था जहाँ कोई भी उसका दोस्त बनना पसंद नहीं करना चाहता। सुगिन समझ चुका था कि वो चाहकर भी रियल लाइफ में रियू से नहीं मिल सकता। वो उदास होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता। उसी रात सुगिन इसी बात को सोचकर उदास हो रहा था, वो अपने साइकिल पर सवार होकर फिर से पार्क की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ वो हर दिन की तरह अपने डंगन गेम को ओपन करता है, मगर आज उसकी किस्मत साथ देने वाली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि रियू ने फिर उसे साथ में खेलने का रिक्वेस्ट भेजा। इस रिक्वेस्ट को देखकर सुगिन के होश उड़ जाते हैं, वो चाहकर भी उसके रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। इसी तरह वो उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता और साथ में खेलने के लिए राजी हो जाता है। वो भले ही रियल लाइफ में मिल नहीं सकते, मगर गेम के थ्रू वो दोनों साथ में इंजॉय करते हैं। इस तरह उन दोनों में एक साथ कई सारे गेम्स को खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। ये वही पल थे जब सुगिन कहीं ना कहीं रियू से अट्रैक्ट होने लगा, मगर उसकी एक किस्मत जल्दी बदनसीबी का शिकार होने वाली थी। एक रात गेम खेलते वक्त सुगिन ने अपने टीवी पर एक वार्निंग मैसेज को देखा। उसमें साफ साफ लिखा था कि डंगन गेम अगले कुछ दिनों में ऑफ होने वाला है। ये वार्निंग साइन सुगिन के लिए कोई मुसीबत से कम नहीं थी। वो जानता था कि वो ही गेम मात्र रास्ता था जिसके बदौलत सुगिन रियू के साथ में टाइम स्पेंड किया करता था। इस गेम के ऑफ होते ही उसकी इच्छा नहीं खत्म होने वाली थी और इस वार्निंग ने सुगिन को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वहीं अगले सुबह जब वो स्कूल में पहुंचता था तो वो टेंशन के मारे चलने लायक भी नहीं था। वो उदास होकर एक जगह लेट जाता और अपनी किस्मत पर रोने लगता है। वहीं अगले सीन में गेम मालूम पड़ता है कि रियू के पिताजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने डंगन गेम का निर्माण किया था। यहाँ वो अपनी बेटी को उनके गेम को बंद करने का डिसीजन बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि उनका डंगन गेम जल्दी बंद होने वाला है, मगर रियू के पिता किसी दूसरी बात को लेकर परेशान थे। वो रियू को हवाले अपने गिफ्ट को सौंपते हैं। वो रियू को बताते कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तब उसे इस गिफ्ट को अपने पास संभाल कर रखना होगा। आखिर उस गिफ्ट में ऐसा क्या था, ये हमें कहानी में आगे मालूम पड़ेगा। रियू के पिता ये भी बताते हैं कि उनके इस गेम का एंड होते ही एक नए गेम को लॉन्च करने वाले हैं। उनके हिसाब से गेम पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला है। इधर सुगिन अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आ पाया। सुगिन को उदास देखकर उसके दोस्त राशु को उसकी चिंता होने लगती है। वो जानता है कि सुगिन के असली डर की वजह थी कि वो अब रियू के साथ दोबारा नहीं खेल सकता, इसलिए वो सुगिन से कहता है कि उसे हिम्मत करके रियू से अपने बात को शेयर करना चाहिए। मगर सुगिन इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वहीं रियू के पिता अपनी मीटिंग के लिए निकल पड़े जहाँ लिंग नाम का पार्टनर उनसे गेम के रिलेटेड बात करने वाला था। वहीं रात के वक्त सुगिन के गेम में इंतजार कर रही होती है। वो एक पब में उसके आने का इंतजार कर रही थी जहाँ आसपास के सभी प्लेयर जानते थे कि उसका गेम जल्दी एंड होने वाला है, इसलिए वो सभी गेम के एंड होने तक गेम को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते थे। इसी कारण सभी साथ में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर रियू पब में अकेले बैठे सुगिन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच सुगिन बड़ी हिम्मत के बाद फिर से गेम खेलने को तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद रियू का इंतजार खत्म होता है और वो दोनों गेम में फिर से यूनाइट होते हैं। यहाँ सुगिन के चेहरे पर उदासी को साफ देखा जा सकता है। वहीं गेम के एंड होने में कुछ समय बचा हुआ था, इसलिए रियू ने डिसाइड किया कि गेम के एंड होने तक सुगिन के साथ सभी लम्हे को बिताना चाहती है। वो दोनों साथ में इंजॉय करते हैं जहाँ वो दोनों खुशी खुशी गेम के बचे हुए पलों को साथ में बिताने लगते हैं। वहीं रियल लाइफ में रियू के पिता यूकी अपने नए गेम को लॉन्च कर देते हैं। इस नए गेम के नाम ग्रेवबस्टर होता है, जहां इस गेम में कई सारे प्लेयर्स को ग्रेव रॉबर का किरदार निभाना था। उन सभी प्लेयर्स को अलग अलग स्टेज पर ट्रेजर मिलने वाले थे।
मगर गेम की सबसे बड़ी ताकत प्लेयर की फाइनेंशियल पावर का होने वाला था। जिस भी प्लेयर के पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे वो गेम को आसानी से पार कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस गेम को खेलने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। वहीं गेम को खास तरह के फोन पर खेला जा सकता है, इसलिए हर प्लेयर को गेम खेलने से पहले इस फोन को भी खरीदना है। योकी के हिसाब से ये तो बस खाने की शुरुआत है, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा हीरो सुगिन एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए उसका ये गेम खेल पाना नामुमकिन सा है। वो चाह कर भी इस गेम को नहीं खरीद सकता और ना ही इसके बारे में सोच सकता है। तो इधर सुगिन रात भर रियो के साथ खेलने के बाद वो वापस अपने बेड पर चला जाता है। आज वो रियो के साथ गेम खेलकर काफी खुश होता है, मगर उसकी खुशी समय के साथ खत्म होने लगती है। जल्दी वो दिन भी आ जाता है जब डंगन गेम अपने फाइनल समय पर आ जाता है, वो दिन जब डंगन गेम को आखिरी विदाई देकर ऑफ किए जाने वाला है। हमारे सुगिन इस बात से बिल्कुल दुख, वो जानता कि इस गेम के अंत के बाद वो दोबारा रियो से नहीं मिल सकता है। इसी दौरान हम रियो को भी देखते हैं जो गेम के आखिरी पलों से उसका इंतजार कर रही है। वो हर बार की तरह उसी पब में जाती है जहाँ वो दोनों मिला करते थे। रियो देखते कि गेम के अंतिम समय पर हर प्लेयर खुशी खुशी गेम को अलविदा कहने आया है। यहाँ तक हर प्लेयर गेम के रिस्पेक्ट में कोई अनोखी करतब भी शो कर रहे हैं। वहीं सुगिन बड़ी हिम्मत के बाद फिर से गेम खेलने का डिसाइड करता है। वो तेजी से पार्क की तरफ बढ़ने लगता है, इसी बीच उसका कुछ सामान नीचे भी गिर जाता है, पर वो इसके बाद भी वो खुद को संभालते हुए पार्क की ओर बढ़ने लगता है। इधर रियल लाइफ में युकी अपने गेम को आखिरी पलों को अच्छे से देखना चाहते हैं। वो एम्प्लॉय के कहने के बाद भी अपने ऑफिस में बैठे गेम को देख रहा होता है। तभी एक खूबसूरत महिला धीरे से उसके ऑफिस में दाखिल हो जाती है। उस महिला के हाथ में गन होता है, बिना हिचके युकी के सर पर उस गन को तान देती है। इधर गेम में रियो गेम के आखिरी कोने पर एनवायरमेंट को देख रही होती है। वो आसपास की खूबसूरत चीजों को देखकर हैरान होती है। उसके आसपास हर तरह गोल्डन फ्लावर थे, इसलिए वो उनसे आकर्षित होकर उन्हें इकट्ठा करने लगती है। मगर तभी वो कुछ प्लेयर्स को देखते जो तेजी से उसके तरफ भाग रहे होते हैं। वो तभी किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं, जिसके बाद रियो की नजर सामने की ओर जाती है जहाँ एक जायंट मॉन्स्टर हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। रियो को समझाने में देर लगी कि वो सभी प्लेयर उसी मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे हैं। गेम की आखिरी पलों में इस भयानक मॉन्स्टर को देखकर रियो को होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि कैसे वो मॉन्स्टर उन सभी प्लेयर को कैद करके मार रहा था। इधर रियल लाइफ में हम उसी खूबसूरत लड़की को देख जो युकी के सर पर गन तान रखी होती है। वो युकी को उसके पिछले 4 साल की मेहनत के लिए शुक्रिया कहती है, जिसके बाद वो उसे एक झटके में शूट करके मार देती है। इधर सुगिन काफी मेहनत के बाद उसी पार्क में पहुंच जाता है, गेम में लॉगिन हो जाता है। इस बार वो गेम के पब में पहुंचता है जहां रियो उसका इंतजार किया करती थी। मगर सुगिन हैरान है क्योंकि उसके पास की सभी चीजें तहस नहस हो चुकी हैं। उसकी नजर पब के वेटर पर जाती है जो मलबे के नीचे दबा हुआ है। सुगिन को उसके पास से रियो को लेटर मिलता है जहाँ रियो ने उस जगह को लोकेशन दी थी जहाँ वो उससे मिलने का इंतजार कर रही थी। सुगिन घबराते हुए रियो की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो रियो के पास पहुंच जाता है जहाँ रियो उसी मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है, मगर रियो जल्दी मॉन्स्टर की चपेट में आने लगती है, इसलिए सही समय पर सुगिन वहाँ आकर उसकी जान बचा लेता है। इसी तरह सुगिन ने रियो की एक बार फिर से जान बचा ली थी, मगर ये सिर्फ उसका धोखा था क्योंकि वो मॉन्स्टर फिर से रिवाइव हो जाता है और वो रियो के सीने में मारकर उसे घायल कर देता है। इस तरह रियो अपने आखिरी पलों को गिनने लगती है और देखते ही देखते उसकी सुगिन के सामने मौत हो जाती है। अब सुगिन इससे पहले कुछ कर पाता तब तक गेम हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू हो जाता है। इस तरह सुगिन और रियो हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगली सुबह सुगिन गेम के अंत से दुखी और निराश हो जाता है। वो सबसे पहले अपने बाइसिकल को लेकर जा रहा था, तभी उसे कोहरे में एक लड़की की परछाई दिखने देखती है। और यहाँ रियो ने बताया कि वो पहले से ही जानती थी कि सुगिन ही वो शख्स है जिसके साथ वो गेम खेला करती थी। सुगिन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं और वो अचानक से अपने बाइसिकल को नीचे गिरा देता है। जल्दी उसे रियलाइज होता है कि उसने बाइसिकल को खराब करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। असल में उस बाइसिकल की मदद से अपने काम को किया करता था। इस तरह वो पागलों की तरह उछलने लगता है और वो रियो उसके हरकतों को देखकर उस पे हंसने लगती है। अब सुगिन इस बात से खुश था कि वो जिस बात को छुपाकर चल रहा था उसका अब अंत हो चुका है। अब से वो रियो के साथ उन लम्हों को जी सकता है। कुछ समय बाद उसे रियो के पिता के बारे में पता चलता है जिनकी पिछली रात मर्डर हो चुका है। सुगिन को जैसे ही बात का पता चला वो तेजी से रियो की तलाश में निकल पड़ता है। उसे अंदर ही अंदर रियो की चिंता सताई जा रही थी। वो तेजी से रियो के घर पहुंचता है जहां उसे रियो के दोस्त से मालूम पड़ता है कि रियो इस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं। असल में रियो अपने पिता के मौत से दुखी थी और वो अपने पिता के फ्यूनरल में पहुंची है और यहाँ फ्यूनरल में मौजूद सभी लोग रियो पर तरस खा रहे थे। आखिर उसने इतने कम उम्र में अपने पिता को जो खो दिया। इस तरह कंपनी की पूरी जिम्मेदारी रियो के सर पर आने वाली थी।
वहीं सुगीन रियो को ना मिल पाने पर दुखी था। वो टीवी पर युकी की मौत की खबर को सुनकर रियो की और भी चिंता करने लगा। इधर ग्रेव बस्टर की लॉन्च से पहले युकी की मौत ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। वहीं सुगीन बड़ी हिम्मत के साथ रियो से मिलने का डिसाइड करता है, जहां अगले पल हम सुगीन को एक ऑफिस में इंतजार करते हुए देखते हैं। यहाँ कुछ समय बाद रियो आई है और उसके चेहरे पर उदासी का साफ देखा जा सकता है, मगर रियो बिना समय जाए के सुगीन के सामने अपने गिफ्ट को ऑफर करती है। असल में इस गिफ्ट को युकी ने सुगीन के लिए संभाल कर रखा था। यहाँ सुगीन इस बात से हैरान है कि आखिर युकी उसे कैसे जानते थे और उन्होंने इस गिफ्ट को उसके लिए क्यों संभाल कर रखा। इसका जवाब भी हमें कुछ देर में मालूम पड़ जाता है जब सुगीन उस गिफ्ट को ओपन करता है। सुगीन देखता है कि उस गिफ्ट के अंदर वही फोन मौजूद है जिसका बदौलत कोई भी व्यक्ति ग्रेव बस्टर खेम को खेल सकता है। अब सुगीन बिना देरी के उस फोन को टच करता है, जिसके बाद उसका फिंगरप्रिंट फोन की स्क्रीन पर ऑटोमेटिक रन होने लगता है। देखते देखते उस फोन में उसका नाम और डेटा शो होने लगता है। इधर रियो ने भी उसे बताया कि वो युकी की असली बेटी नहीं है, असल में जब वो छोटी थी तब युकी ने उसको गोद लिया था। यहाँ रियो आगे की बात करने ही वाला होती है, अभी उसके दरवाजे पे कुछ अनजान लोग दस्तक देते हैं। रियो सुगीन को एक्सक्यूज करके बाहर की ओर चली जाती है। इसी बीच सुगीन की नज़र फोन पर जाती है, जहाँ उसे दिखता है कि उसका ऑनलाइन गेमिंग करेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ठीक $1 trillion पर आके उसकी करेंसी रुक जाती है, यानी कि उसके पास गेम में बहुत सारा इनकम मौजूद है। इस बात पर सुगीन को विश्वास नहीं हुआ, मगर तभी उसे फोन पर युकी की वॉइस मैसेज सुनाई देती है। यहाँ युकी उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुगीन की जिंदगी पूरी तरह उथल पुथल होने वाली थी। युकी ने बताया कि सुगीन उसका ही ग्रैंडसन है। असल में सुगीन को वो दिन याद नहीं है जब युकी ने उसे पाला पोषा था। अब ये बात किसी हैरानी से कम नहीं, मगर तभी युकी ने बताया कि वो अपने सभी जायदाद को उसके हवाले कर रहे हैं। ये सुनकर सुगीन के पूरे होश उड़ जाते हैं, मगर युकी के इस डिसीजन के पीछे एक सोची समझी बात थी। वो चाहते थे कि सुगीन इन सब जायदाद का बदौलत रियो का पूरा ध्यान रखेगा। अब रुकी की बात सुनते सुगीन खुशी में उछल पड़ता है। अब तक वो रियो को पाने की हर नामुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर युकी ने एक पल में ही उसके अरमान को पूरा कर दिया है। मगर युकी की बात अभी पूरी नहीं हुई है। वो बताते कि सुगीन पर रियो की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियो के बचपन में उसके परिवार को उसके एनिमी ने खत्म कर दिया था। अब वो एनिमी फिर से रियो के लिए आने वाले हैं और सुगीन को एनिमी से रियो को बचा कर रखना होगा। और सुगीन समझ चुका था कि आगे उनकी जिंदगी में कौन से बड़े खतरे इंतजार कर रहे हैं, मगर वो इस बात से अनजान है कि वो खतरे उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। रियो जब बाहर गई तभी उसे उन अनजान लोगों ने कैद कर लिया। उसके हिसाब से रियो ने ढेर सारा लोन लिया हुआ था, इसलिए वो रियो को कैद कर ले गए हैं। वहीं अगले सीन में हम उसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो इस बात से निराश है कि युकी ने उसे आखिरी वक्त पर भी उस राज से पर्दा नहीं उठाया था जिसका वो कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। इधर सुगीन को जैसे ही रियो को कैद होने वाली बात का मालूम पड़ा तब वो उसे चिंता करते हुए बचाने की निकल पड़ा। यहाँ उसे किडनैपर से मालूम पड़ता है कि रियो के पिता ने उन किडनैपर से 5 मिलियन यौन का लोन लिया हुआ था। अब सुगीन रियो की जान बचाने के लिए पैसे चुकाने की बात रखता है, जिसके बाद वो अपने फोन की गेम करेंसी को यूज करने की कोशिश करता है, मगर उसे जल्दी रियलाइज होता कि वो चाहकर भी इन गेम करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस तरह सुगीन चाहकर भी रियो की जान भी नहीं बचा सकता, इसलिए वो सभी किडनैपर फिर से रियो को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। अब तक रियो भी समझ चुकी थी कि सुगीन उसकी चिंता करता है, इसलिए उसकी मजबूरी को समझते हुए कुछ भी करने से मना करती है, जिसके बाद रियो से आखिरी बार अलविदा कहकर उस किडनैपर के साथ जाने लगती है। मगर सुगीन को अपने दादा की बात याद आती है और वो रियो को बचाने के लिए किडनैपर का पीछा करने लगता है। वो बाइसिकल पर सवार होकर उनका पीछा कर रहा होता है। यहाँ रियो ने अपनी किस्मत को मंजूर कर लिया था, मगर तभी हमारा हीरो तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगता है। तरह रियो के दिल में फिर से उम्मीद की किरण जगने लगी थी। रियो विंडो को खोलकर सुगीन को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर सुगीन की कोशिश तब तक नाकामयाब होती है जब तक उसके पीछे से एक और कार उसे ठोक देती है और हादसे का वो शिकार हो जाता है। इस तरह सुगीन रियो की जान बचाते बचाते रह जाता है। इधर रियो मजबूरन उदास होकर किडनैपर के साथ जाने लगती है, मगर तभी एक अदृश्य व्यक्ति उसके सामने आ जाता है। इस व्यक्ति का नाम सिलिकॉन होता है और वो कार को क्रैश करके रियो की जान बचा लेता है। वहीं सुगीन पैदल दौड़ते हुए रियो की तरफ बढ़ते जा रहा है और यहाँ वो कुछ समय बाद उसके पास पहुँच जाता है, जहाँ वो पहली बार सिलिकॉन को देखता है जो रियो को अपने साथ लेकर गायब हो चुका है। यहाँ वो गायब होने से पहले सुगीन को बताता है कि वो उसके ग्रेव बस्टर में इंतजार करेगा। अब हमारा हीरो इस बात से दुखी हो जाता है कि वो चाहकर भी रियो की जान नहीं बचा पाया। उसके पास रियो की जान बचाने के लिए उसी ग्रेव बस्टर में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, मगर सुगीन इस बात से अनजान है कि ग्रेव बस्टर में उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। वो इसी बात को सोचकर उदास हो रहा था,
तभी उसके फोन से खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वो सुगिन को रिवील करती है कि उसका नाम ट्विनस्टार है और उसके ग्रेबस्टर गेम में गाइड करने वाली है। असल में ट्विनस्टार इसलिए आई थी ताकि वो सुगिन को उसके ग्रेबस्टर से पहली बार जाने के लिए सपोर्ट कर सके। इस दौरान वो उसे गाइड करने वाली थी। इसी के साथ वो उसे एक झटके में सुगिन को अपने साथ ग्रेबस्टर की दुनिया में ले जाती है। यहाँ सुगिन आम इंसान की तरह फिजिकली ट्रांसफर हो चुका था। ये वही डायमेंशन है जिसे हमने शुरू में देखा था, जहाँ सुगिन उन कंकालों से फाइट कर रहा था। यहाँ सुगिन एक सुनसान डेजर्ट के बीच में फंस चुका था। वो अपने गाइड यानी कि उस खूबसूरत लड़की को देखता है, जो अचानक से अपनी असली रूप में आ जाती है। यहाँ वो दो छोटे से अजीब क्रिएचर्स में तब्दील हो जाती है। इस कारण उस लड़की का नाम ट्विन स्टार था, क्योंकि वो दोनों असल में दो क्रिएचर्स थे। अब सुगिन इससे पहले कुछ समझ पाता, तब तक उसके आसपास की जमीन हिलने लगती है। डेजर्ट में हलचल होने के बाद वो दोनों ट्विन स्टार डर के मारे सुगिन के अंदर छुप जाती है, जिसके बाद डेजर्ट के नीचे से एक जायंट पिरामिड उभर के बाहर आ जाता है। उस जायंट पिरामिड का मकसद था कि सुगिन को चेक कर सके कि टॉम गार्डियन बनने लायक है या नहीं, मगर सुगिन उसकी बातों को इग्नोर करके अपने रास्ते की ओर निकल पड़ता है। पर जायंट पिरामिड उसे ये कहकर रोक देता है कि अगर वो टॉम गार्डियन ना बना तो वो चाह कर भी रियो की जान नहीं बचा सकता है। अब रियो की जान बचाने की खातिर सुगिन उस जायंट पिरामिड का सामना करने को तैयार हो जाता है। वहीं कुछ ही देर बाद हम उन्हीं ग्रेव रॉबर को देखते हैं, जिनका लीडर अपने सिंगर से उस पिरामिड पर नजर गड़ाया हुआ था। अगले पल वो अपने स्नाइपर से पिरामिड पर वार कर देता है। इधर जायंट गार्डियन ने रिवील किया कि अगर सुगिन को टॉम गार्डियन बनना है तब उसे पूरी तैयारी करनी होगी, जिसके बाद सुगिन के सामने डेजर्ट की गॉड शोस्ता आ जाती है। यहाँ सुगिन शोस्ता की खूबसूरती को देखकर शर्माने लगता है, जिसके बाद शोस्ता सुगिन की उन मेमोरीज को अनलॉक कर देती है जहाँ सुगिन ने बचपन के दिनों में अपने दादा के साथ उन लम्हों को बिताया हुआ था। इस तरह सुगिन को रियलाइज होने लगा क्योंकि उसके असली ग्रैंडफादर थे, मगर सच्चाई अभी अधूरी थी, क्योंकि जिस जायंट पिरामिड को मॉन्स्टर समझ रहा था वो असल में उसके ग्रैंडफादर युकी थे। मगर उसे जल्दी मालूम पड़ जाता कि वो जिसे अपना दादा समझ रहा है वो असल में उनके दादा की गेम में स्टोर की हुई डाटा है, जिसकी युकी की फिर से सुगिन से मुलाकात हो रही थी। मगर दादा पोते की मुलाकात तब मुसीबत में पड़ जाती जब वो ग्रेव रॉबर एक जोरदार झटके से जायंट पिरामिड पर हमला कर देता है। देखते ही देखते सभी रॉबर उस जायंट पिरामिड को दो हिस्से में काट कर अलग कर देते हैं, मगर तमीज जमीन के अंदर से एक विशाल रोबोट बाहर आ जाता है और इस रोबोट के अंदर सुगिन और उसके दादा मौजूद होते हैं। इधर उन रॉबर की सांसें कुछ समय के लिए रुक से जाती हैं, मगर उनका हमला लगातार उन रोबोट पर हो रहा था। वहीं सुगिन रोबोट के अंदर सुरक्षित था, मगर उसे जल्दी कुछ करने की कोशिश करनी थी। अगर वो जल्दी कुछ नहीं करते तब उनका ये रोबोट भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। इधर बाकी ग्रेव रॉबर रोबोट को ज्यादातर डैमेज देने के बाद अपने आखिरी हमले के साथ तैयार थे। इसी बीच सुगिन तेजी से रोबोट के इम्पोर्टेंट फंक्शन की जाँच करने लगता है। जल्दी उसे एक गन की फीचर के बारे में मालूम पड़ता है। अभी उस गन के इस्तेमाल से सुगिन एक जोरदार हमले को तैयार करके उन सभी रॉबर पर वार कर देता है। इसी तरह एक जोरदार बुलेट तेजी से उन रॉबर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर रॉबर उनके तरफ बढ़ रहे खतरे से अनजान अपने आखिरी वार की तैयारी में होते हैं, मगर तभी वो बुलेट तेजी से उनके तरफ आ रही होती है। उन्हें जल्दी से खतरे का एहसास हो जाता है, तब उन रॉबर में से लेडी रॉबर अपने मिरर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो बुलेट हवा में डाइवर्ट हो जाती है। इस तरह उन रॉबर की जान बच जाती है, मगर वो लेडी रॉबर अपने अगले कदम से चूकने वाली नहीं थी। वो अपने कार्ड की पावर से उस रोबोट पर वार करने लगती है। वहीं मौके का फायदा उठाकर बाकी रॉबर्ट इस रोबोट पर लगातार हमला करने लगते हैं। देखते ही देखते वो रोबोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसके कारण यूकी का डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यूकी डिस्ट्रॉय होने के साथ वैनिश होने लगता है, जहाँ आखिरी पलों में सुगिन उनके लिए काफी बुरा महसूस करता है। वो चाह कर भी उनको बचा पाने में असफल होता है, जिसके बाद वो उन मेमोरी को देखने लगता है जब वो अपने दादा के साथ समय बिताया करता था। इसी के साथ यूकी का डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है और तब सुगिन अपने दादा की मौत से दुखी होने लगता है। इस पल सुगिन की पूरी पावर अनलॉक हो जाती है। इधर बाकी रॉबर मौके का फायदा उठाकर रोबोट को खत्म करने वाले होते हैं, मगर तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है, जहाँ एक शख्स कुछ क्रिएचर पर बैठकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो सुगिन होता है। वो गुस्से में उन रॉबर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी बीच शोस्ता अपने गन का इस्तेमाल करके उन रॉबर्स पर वार करती है, और तब सुगिन उस बुलेट को डाइवर्ट करके सीधे उन रॉबर्स पर भेज देता है। इस तरह वो लेडी रॉबर ऑन द स्पॉट इस बुलेट का शिकार हो जाती है। अब उन रॉबर की नजर सुगिन पर जाती है और वो उसे एक बार में देखकर समझ जाते हैं कि वो ग्रेव बस्टर दुनिया का आखिरी टॉम गार्जियन था। खैर वो सभी रॉबर वहाँ से भाग खड़े होते हैं, और तब हम शोस्ता को देखते हैं जो सुगिन को उसकी गार्जियन बनने के लिए कॉन्ग्रेट्स कहती है। यहाँ वो जाने से पहले सुगिन को बताते कि उन दोनों का सिर्फ साथ में यहाँ तक का सफर था। इसके बाद सुगिन को आगे की जर्नी खुद ही तय करनी होगी।
पर स्विगिन की जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तभी उसके सामने एक दूसरी लेडी आती है जिसके हाथ में हथियार मौजूद होता है। या वो स्विगिन का लास्ट गार्जियन होने से पहले बात या वो स्विगिन के लास्ट गार्जियन होने से वाली बात से नाराज थी, वो स्विगिन को शूट करके मार देती है। वो ही इस दुनिया की आखिरी टॉम गार्जियन है, ना कि स्विगिन। इसी के साथ स्विगिन की रियल वर्ल्ड में आंखें खुलती हैं, जहां उसे कुछ देर बाद एक अनजान शख्स की कॉल आता है। यहाँ उस अनजान शख्स का नाम तेमुजिन होता है और ये वही व्यक्ति है जिसकी कैद में रिकू किडनैप हुई है। यहाँ तेंजुमिन स्विगिन से उसे ग्रेव बस्टर में मिलने की इच्छा जाहिर करता है और साथ में रिकू की तस्वीर भी बेचता है। इस तरह स्विगिन को रिकू की चिंता बढ़ने लगती है। वो अब रिकू को तेंजुमिन की कैद से बचाने का ठान लेता है। वहीं स्विगिन के कुछ दोस्त भी ग्रेव बस्टर गेम में इन्वॉल्व हो चुके थे। वो तीनों बिना देरी किए गेम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां उसकी मुसीबत तब बढ़ जाती है जब उन्हें रॉबर्ट द्वारा कैद कर लिया जाता है। ये वही रॉबर्ट्स थे जिन्होंने स्विगिन और उसके दादा पर हमला किया था। यहाँ रॉबर्ट्स के लीडर खुद को वाइल्ड वुल्फ नाम से पुकारा करता था। उसका मकसद था कि वो गेम में आने वाले सभी न्यू प्लेयर्स को शिकार कर उनके पैसों को छुड़ा सके। इस तरह स्विगिन की ये तीनों दोस्त भी उन रॉबर्ट्स का शिकार बन जाते हैं, या उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पैसों का सौदा करना पड़ता है। इधर स्विगिन रिकू की जान बचाने के लिए गेम के सभी रूल और रेगुलेशन की जानकारी इकट्ठा करने लगता है, ताकि वो जल्द से जल्द रिकू को आजाद करा सके। जिसके बाद हम रिकू को भी देखते हैं, जिससे मिलने के लिए तेंजुमिन पहुंचता है। यहाँ रिकू अपने साथ हो रही जाति से परेशान हो चुकी है, इसलिए वो तेंजुमिन से उसे रिहा करने की बात बोलती है, मगर तेंजुमिन उसकी बातों को अनसुना कर देता है। असल में उसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और वो रिकू की बात सुनकर उस पे हंस पड़ता है और तब धीरे धीरे कदमों के साथ वो वहाँ से वापस निकल जाता है। इधर उन रॉबर की चोरी का सिलसिला अभी तक जारी था। वो हर नए प्लेयर को अपनी कैद में बंद करके उन्हें लूट रहे थे। इस तरह जब वो कुछ प्लेयर को पकड़ लिए होते, तभी उनके सामने वही टॉम गार्जियन लेडी आ जाती है। या वो गार्जियन लेडी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते कि उसका नेम कलेक्टर है और वो उन जैसे रॉबर्स को हंट किया करती है। वाइल्ड वुल्फ कलेक्टर की इस बात से कुछ खास खुश नहीं होता और वो अपने सभी मेंबर के साथ कलेक्टर पर वार कर देता है, मगर कलेक्टर की शक्तियाँ उन सभी रॉबर के मुकाबले काफी हाई होती हैं, इसलिए वो सभी को बड़े आसानी से घायल कर सकती है। अगले ही पल जब कलेक्टर उन रॉबर की गिरफ्त में आ जाती है, तब वाइल्ड वुल्फ उसे बाकी प्लेयर की तरह ही उसके क्रेडिट और करेंसी को लेने लगता है, मगर कलेक्टर के पास 1 बिलियन से भी ज्यादा की करेंसी मौजूद है, इसलिए हाई करंट के बोझ तले दब जाता है। वाइल्ड वुल्फ ने सोचा था कि वो कलेक्टर के सभी करेंसी को ले लेगा, मगर ओवरलोड के चलते वो कलेक्टर का ही शिकार बन जाता है। इस तरह वाइल्ड वुल्फ के सभी क्रेडिट और करेंसी कलेक्टर के अकाउंट में शामिल हो जाती है, जिसके बाद कलेक्टर खुशी-खुशी वहां से निकल जाती है। इधर स्विगिन ने भी गेम के सभी रूल को पढ़ लिया था, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ गेम में दोबारा एंटर कर जाता है। वहीं गेम के अंदर हमें दो नए किरदार को दिखाया जाता है, जिनका नाम ताकेशी और मिकुन होता है। यहाँ वो दोनों फ्रेंड है और वो ग्रेव बस्टर में गेम खेलकर अपने डेली लाइफ को सर्वाइव किया करते थे, मगर समय के साथ मिकुना एक बीमारी से जूझने लगी थी, इसलिए ताकेशी उसके इलाज के लिए गेम खेलने का डिसाइड करता है, ताकि मिकुना के इलाज के लिए पैसों का जुगाड़ कर सके। अभी इसी मकसद को पूरा करने के लिए ताकेशी ने एरिना में जाने का डिसाइड किया, जहां गेम के सभी प्लेयर फाइट करे और अर्निंग्स कर सकते हैं, मगर उन सभी प्लेयर को एरिना में एंटर करने के लिए फीस देनी थी। अब ताकेशी के पैसे नहीं थे, इसलिए वो उदास हो जाता है, मगर उसे किसी भी हालत में टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था, इसलिए वो एक खतरनाक रास्ते को चुनता है, जहाँ वो एरिना की दीवार पर चढ़ते हुए एरिना में जाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे ये कोशिश जल्दी नाकामयाब साबित होने लगती है। उसके पास एरिना में एंटर करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तभी वो उदास मन से अपने सपने को भूल जाने की विचार करता है, मगर तभी वहाँ पर स्विगिन आ जाता है, जो ट्विन स्टार के सहारे हवा में घूम रहा होता है। यहाँ जब उसने ताकेशी को दिक्कत में देखा, तब उसने उसकी मदद करने का सोच लिया। अगले ही पल वो उसको अपने साथ उस एरिना के टॉप पर ले आता है। यहाँ उन तीनों की नजर उस वॉइस मैन पर होते जो टूर्नामेंट में जीतेगा। उसे इनाम के तौर पर रियल लाइफ में 10 मिलियन यौन का इनाम मिलने वाला था। अब इस फाइट के लिए उन रॉबर में से एक भी शामिल था। वहीं उसके अपोजिट में एक विकिंग खड़ा था, जो ही इनाम का प्राइस सुनकर स्विगिन के भी होश उड़ चुके थे। अब इसी दौरान बैटल ग्राउंड में युद्ध के आगमन हो जाता है, या दोनों पर्सन आपस में फाइट करने ही वाले होते कि तभी उनके बीच में ताकेशी आ खड़ा होता है। असल में ताकेशी इस पल का इंतजार कर रहा था, जब वो एरिना में फाइट करके मिनाके के इलाज के लिए पैसों का जुगाड़ कर सके। वहीं फाइट के रूल के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति फाइट के बीच में इंटरफेयर करता है, तब उसे फाइट करने का मौका मिलता है। वहीं वाइकिंग की नजर से देखा जाए, तब वो अपने अपोनेंट्स में उस छोटे बच्चे को देखकर और भी खुश हो जाता है। वो इस बात से वाकिफ है कि वो उस बच्चे को आसानी से हरा कर उन इनाम को पा सकता है, मगर ताकेशी किसी भी हालत में उस इनाम को पाना चाहता है।
चाहे इसके लिए उसे अपने मरते दम ताज और वाइकिंग से लड़ना ही क्यों ना पड़े। इधर ताकेशी के हाथ में एक स्पेल बुक है जिसकी मदद से वो वाइकिंग का सामना करने वाला है। यहाँ उस बुक में भी उसकी यादें भी हैं। यहाँ युद्ध के शुरू होते ही स्टेडियम में हर तरफ जोश भर जाता है। अब वाइकिंग जितना दिखने में खतरनाक होता है उतना ही उसका वार भी होता है। वो ताकेशी के हर वार को अनदेखा करके उल्टा उस पर वार कर देता है। इसी तरह ताकेशी धीरे धीरे उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। इसी दौरान सुगीन के हाथ में ताकेशी की बुक आ जाती है, जहाँ वो ये देखकर हैरान हो रहा था कि ताकेशी हर हमले के साथ अपने मेमोरीज को खोता जा रहा है। वही उसके हिसाब से मिकोन की हर यादें गायब हो रही थी। वही ताकेशी की ये कोशिश देखकर सुगीन की आंखें भर आती हैं। इसलिए वो उसकी मदद के लिए ताकेशी को रिप्लेस कर देता है। मगर शुरू में ताकेशी उसके डिसीजन के खिलाफ में होता है, मगर खुद को मजबूर देखकर ताकेशी को एक कदम पीछे ही और लेना पड़ता है। अब एरिना के सभी लोगों की नजर सुगीन पर जा टिकती है। वो सभी लोग सुगीन के स्टेटस को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वो रिसेंटली गेम में ज्वाइन हुआ था, इसलिए उसका स्टेटस बिल्कुल न्यू था। स्टेटस के दम पर सभी ने अंदाजा लगा लिया कि सुगीन एक पल में वाइकिंग के सामने बच नहीं पाएगा, जिसके बाद वाइकिंग अपने अगले हमले के साथ सुगीन पर हवार कर देता है। इस तरह सुगीन वाइकिंग के पहले ही वार में उसके शिकार हो जाता है। यहाँ वो एक बर्फ के तले फंस चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर सुगीन ने जल्दी कुछ नहीं किया तब उसका जाना तय था, मगर सुगीन अपने अगले शक्तियों के साथ पूरी तरह तैयार हो जाता है। यहाँ वो हरी रोशनी के साथ विशाल से ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। अब उसी इस विशाल ड्रैगन के रूप में वाइकिंग पर अपने हमले से वार करता है, और देखते ही देखते वाइकिंग उस वार को सह नहीं पाता और उसे युद्ध का हार जाता है। वाइकिंग की हार के साथ सुगीन ने हर किसी को चौंका दिया, जिसके बाद जीतने के तौर पर उसे इनाम दिया जाता है। मगर सुगीन ने ये सब ताकेशी के लिए किया था, इसलिए वो जीते हुए इनाम को उसके हवाले कर देता है। इस तरह सुगीन अपने नए पावर के साथ अपने अगले सफर के लिए तैयार हो चुका है। वहीं ताकेशी भी इनाम पाने की वजह से मिकुना का इलाज करवा सकता है। इधर कुछ समय बाद सुगीन के कुछ प्लेयर से मुलाकात होती है, जिसका नाम टाइटन और शाह होता है। टाइटन को देखकर साफ जाहिर था कि वो सुगीन के आने से खुश नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शाह की नजर जब सुगीन पर पड़ती है तब वो खुशी से उछलने पड़ता है। असल में वो सुगीन का ही क्लासमेट था। यहाँ वो सुगीन से इसलिए प्रभावित था क्योंकि सुगीन स्कूल के दौरान ढेर सारे काम को किया करता था। असल में शाह भी सुगीन की तरह गरीब था और वो सुगीन की मेहनत से इम्प्रेस हो चुका था। सुगीन को जल्दी से रियलाइज होता है कि शाह उसी का क्लासमेट है और वो उसके स्कूल का मॉनिटर भी हुआ करता था। अब उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती तभी उनके सामने एक रोशनी पड़ती है। इस रोशनी की दूसरी तरह एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है जिसका नाम रिन होता है। यहाँ रिन तीनों को बताती कि वो सभी की लीडर है और वो उसके फर्स्ट लेवल को खुद जज करने वाली है। यहाँ रिन का मकसद था कि वो उन सभी को बेसिक से सिखाएगी, इसलिए वो बिना देरी के उन सभी को एक सुनसान पहाड़ के पास ले आती है। यहाँ उन सभी को अगले इम्तिहान के लिए तैयार रहने को कहती है। इसी के साथ पहाड़ के चारों तरफ कई मॉन्स्टर दिखाई देने लगते हैं। अब रिन उन सभी को अपने अपने बस्टर आइटम से मॉन्स्टर को खत्म करने को कहती है। बस्टर आइटम असल में गेम के हर प्लेयर को मिलने वाले वेपन होता है। अब बढ़ते मॉन्स्टर के साथ वो सभी अपने अपने बस्टर आइटम के बाहर निकल लेते हैं, मगर हमारा सुगीन अपने बस्टर आइटम को रिवील नहीं करना चाहता है। इस तरह उन सभी की फाइट शुरू हो जाती है, जहां सभी लोग अपने अपने बस्टर आइटम को मदद से उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और सुगीन खुद को उन सभी मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश में लगा होता है। अब हम टाइटन को देखते हैं जो बड़े गुस्से के साथ मॉन्स्टर के लीडर पर वार कर देता है। इस तरह वो आसानी से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वहीं कुछ बचे हुए मॉन्स्टर को रिन मार देती है। इस तरह मॉन्स्टर को मारते उन सभी को करेंसी रिवॉर्ड हासिल होता है। अब सभी को लग रहा था कि वो अपने पहले कोर्स को जीत चुके हैं, मगर ये उनकी गलतफहमी होती है। असल में उन्हें पहले कोर्स को जीतने के लिए खुद रिन को फाइट में हराना था। वहीं गेम के अकॉर्डिंग जिस भी प्लेयर के पास सबसे ज्यादा पैसे होते हैं वो आसानी से खुद को स्ट्रांग बना सकता है। इधर शाह को मालूम था कि सुगीन असल में लाइफ में गरीब है, इसलिए वो चाहकर भी खुद को पैसों पर स्ट्रांग नहीं बना सकता। यहाँ शाह सुगीन के जान बचाने के लिए उसके साथ खड़ा हो जाता है, मगर इसी दौरान रिन को सुगीन पर कुछ शक होता है। असल में रिन के पास दूसरों को डिटेल देखने की पावर ही थी, मगर वो सुगीन के डिटेल को साफ नहीं देख पा रही थी। उससे जानना था कि आखिर सुगीन गेम में कितना पुराना है। या सुगीन कुछ बोल पाता तब तक टाइटन गुस्से के साथ रिन पर हमला कर देता है। टाइटन फालतू के बातों में अपने समय को जाया नहीं करना चाहता, इसलिए वो जल्दी रिन को हराकर खुद ही जीतना चाहता है। इसी के साथ उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान टाइटन अपने स्पेशल मूव्स को शो करता है, जिसके बाद शाह की नजर उसके मूव्स पर पड़ती है। असल में टाइटन उसी मूव का इस्तेमाल कर रहा था जिसे वर्ल्ड के बेस्ट वर्चुअल प्लेयर यूज किया करते थे।
यहाँ हैरानी की बात ये थी कि टाइटन वही वर्ल्ड फेमस प्लेयर था जिसे टाइटन क्रशर नाम से जाना जाता था। इसी दौरान हम टाइटन के फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ वो लगातार कई सालों से गेम में जीतता आ रहा था मगर लास्ट एक साल से वो किसी भी टूर्नामेंट में शामिल ही नहीं हुआ था। वहीं उसके पिता इस साल उसे ग्रेव बस्टर में शामिल होने का कहते हैं ताकि वो इस बार भी खुद को टॉप पर ला सके, मगर टाइटन के दिल में कुछ और ही था। वो अपने गेम खेलकर थक चुका था, वो शांति से अपनी आजादी को एहसास करना चाहता था पर वो अपने पिता के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इस गेम में शामिल हो जाता है। अब करंट समय में टाइटन खुद को टॉप में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इधर शार्क कहीं ना कहीं रिन को पसंद करने लगा था इसलिए वो उसकी बचाने को डिसाइड करता है। वो अपने विंड पावर का इस्तेमाल करके हवा में घुल जाता है, इस तरह वो हवा से भी तेज रिन की तरह बढ़ने लगता है मगर जल्दी रिन उसे खतरा समझ के अपने तलवार से घायल कर देती है। वहीं सुगीन भी अपने स्पेशल पावर्स को अनलॉक करता है और इस पावर्स का इस्तेमाल से वो अपने एनिमी के पावर को कॉपी कर सकता था। यहाँ वो शाह के विंड पावर को कॉपी कर लेता है। यहाँ हम रिन को देखते जो टाइटन के वॉर से घायल हो चुकी थी। रिन असल में टाइटन को पास नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि टाइटन काफी गुस्से और एरोगेंस से भरा हुआ व्यक्ति था। रिन अब पूरी कोशिश के साथ उसे हराने में लग जाती है। सुगीन को रिन की सच्चाई मालूम पड़ती है, रिन असल में पूरे समय अपने फेक बॉडी से फाइट कर रही थी यानी कि वो खुद को कहीं छुपा कर रखी हुई थी। अब सुगीन विंड पावर के इस्तेमाल से गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ उसे छोटी सी लड़की मिलती है जो रिन के फेक बॉडी को चला रही थी। इधर रिन की आइडेंटिटी ढूंढते ही वो सभी अपने फर्स्ट कोर्स को जीत जाते हैं। अब रिन सुगीन के पावर से हैरान, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुगीन इस गेम में बिगिनर था। अब दूर खड़े टाइटन को भी सुगीन के पावर पर शक होता है। यहाँ वो बिना देरी किए उस पर अपने वार से हमला कर देता है। इधर टाइटन के हमले को देखकर सुगीन रिन को लेकर भागने लगता है। जल्दी वो एक सेफ जगह पर रिन के साथ आ जाता है। अब इस दौरान रिन अपने रियल नेम को रिवील करती है, उसका नाम फरीन होता है। यहाँ सुगीन नहीं रिवील करता कि वो इस गेम में नया है इसलिए उसे उसके साथ में टीम की जरूरत पड़ने वाली है। अब वो फरीन को उसके साथ शामिल होने को कहता है मगर फरीन इस पल तक सुगीन के साथ शामिल होने को तैयार नहीं होती है। अब फरीन को अपने टीम में शामिल करने के लिए सुगीन ने बताया कि वो टाइटन को हरा देगा, इसके बाद उसे उसके साथ शामिल होना पड़ेगा। इसी दौरान उनके ऊपर टाइटन का हमला हो जाता है। यहाँ टाइटन की बदतमीजी को देखकर सुगीन को उस पर गुस्सा आता है। अब वो फिर से शाह की पावर को यूज करके टाइटन पर भारी पड़ने लगता है। इधर हम टाइटन के एक और फ्लैशबैक को देखा, वो लास्ट ईयर गेम में जीत चुका था मगर ऑडियंस में कुछ लोगों को लग रहा था कि टाइटन ने अपने पैसों के दम पर खुद को विनर घोषित किया था। इस तरह उसने उस ऑडियंस को गुस्से में मारने पीटने भी लगा था। अब मार पीट वाली बात पूरी दुनिया तक चली जाती है। उसके लॉयर ने उन ऑडियंस को पैसे देकर उसके मुंह को बंद करा दिया। असल में टाइटन ना चाहते हुए अपने पैसों की बदौलत हर ऊंचाइयों को छू रहा था इसलिए वो उसे भी इस बार अपने पैसों के दम पर सुगीन को हराने वाला था। इसी के साथ वो अपने ढेर सारे पैसों का बदौलत एक्सपेंसिव कार को सम्मन करता है। अब पूरी तरह से उस अपग्रेड करने के बाद उसे सुगीन पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। टाइटन को इस बात का घमंड था कि उस गेम में उससे ज्यादा कोई भी अमीर नहीं है इसलिए वो अपने अमीरी के दम पर सुगीन को हराने वाला है। वहीं हम रियल लाइफ में प्रीशियस नाम के संगठन को देखते हैं जो साथ में मिलकर ग्रेव बस्टर पर डिस्कस कर रहे थे। उनके हिसाब से उनका ग्रेव बस्टर गेम तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ प्रीशियस संगठन डार्क टाइगर नाम के प्लेयर की टीम थी। डार्क टाइगर दुनिया के टॉप 5 प्लेयर में शामिल थे और आज तक किसी ने उसके चेहरे को देखा नहीं था। डार्क टाइगर की टीम में 16 लोग शामिल थे और वो सभी डार्क टाइगर को गेम के टॉप पर लाने में मदद करते थे मगर अब उन सभी के सामने एक दिक्कत आ चुकी है। ग्रेव बस्टर में फिर से एक टॉम गार्जियन की एंट्री हो चुकी थी। अब वो सभी किसी और की नहीं बल्कि सुगीन की बात कर रहे थे। इधर गेम में हम टाइटन को देख जो फुल स्पीड के साथ फेरिन और सुगीन पर कार चढ़ाने वाला होता है मगर सुगीन बिना देर किए फेरिन के सामने आ जाता है। यहाँ फेरिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक गरीब प्लेयर किस तरह टाइटन जैसे अमीर बंदे को सामना कर सकता है। कुछ देर बाद टाइटन की कार सुगीन को छूने ही वाली होती कि तभी वो एक शील्ड से टकरा कर तहस महस हो जाता है। इधर खुद को सेफ देख फेरिन को समझ आ गया था कि सुगीन सिर्फ दिखने में गरीब था मगर वो आसानी से टाइटन को सामना कर सकता है यानी कि वो टाइटन से कई गुना अमीर और स्ट्रांग था। तरह टाइटन के हार के साथ सुगीन की जीत हो जाती है। इधर सुगीन फेरिन के पावर से इंप्रेस हो जाता है और वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है पर जब तक वो आगे कुछ सोच पाते तब तक जमीन में हलचल महसूस होने लगती है और जब तक जमीन को चीरते हुए एक रथ बाहर आता है, वही रथ है जिसमें कलेक्टर सवारी किया करती थी। इसी दौरान फेरिन अपने शक्तियों से कलेक्टर को इन्वेस्टिगेट करने लग और उसे एक हराने वाली बात मालूम पड़ती है। कलेक्टर के पास औरों के मुकाबले 10 बस्टर आइटम मौजूद थे जहां आम प्लेयर
प्लेयर के पास एक बस्टर आइटम हुआ करता था, इसलिए एक ही पर्सन के पास इतने सारे बस्टर आइटम होना एक बड़े खतरे से कम नहीं था। इधर कलेक्टर एक झटके में फरीन पर शूट कर देती। इस तरह फरीन एक डॉल में कन्वर्ट हो जाती है और वहीं कलेक्टर दूसरे गोली के साथ सुगीन पर एक क्रिएचर से हमला कर देती है। यहां वो क्रिएचर कलेक्टर के इशारों पर सुगीन के पेट में घुस जाता है। कलेक्टर रिवील करते कि अगर सुगीन रियू को बचाना चाहता है तब उसे उसकी बातों को शांति से सुनना पड़ेगा। कलेक्टर बताते कि रियू तेमुजिन नाम के बंदे के कैद में है और वहीं तेमुजिन तोतेम नाम के संगठन का लीडर था। तो तेम भी ठीक प्रिशियस की तरह डेंजरस लोगों से भरा हुआ है। वो भी ये बताते कि अगर उसे रियू की जान बचानी है तब उसे तोतेम के गेट पर जाना होगा, जहां उसे उसी क्रिएचर से बात सुननी पड़ेगी जो कुछ समय पहले उसके पेट में दाखिल हुआ था। कलेक्टर के मुताबिक दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए सुगीन को दूसरों पर भरोसा न करते हुए उस क्रिएचर की बात सुननी चाहिए। इतना बताने के बाद कलेक्टर वापस चली जाती है और तब हम फरीन को देखते जो वापस ठीक हो जाती है। यहाँ उनकी मुसीबत तब बढ़ जाती है जब उन दोनों की नजर पहाड़ की चोटी पर खड़े शख्स पर जाती है। अब फरीन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसे मालूम पड़ता है कि उस शख्स भी उन दोनों के लिए बड़ा खतरा है। असल में वो शख्स तोतेम का ही मेंबर था। अब उस शख्स की जानकारी मिलते ही सुगीन उस पर हमला करने निकल जाता है। यहाँ सुगीन उस शख्स से रियो की जानकारी लेना चाहता है मगर फरीन की बात सच साबित होती है। यहाँ वो शख्स उन दोनों पर भारी पड़ता है। वो शख्स अपने पावर से उन दोनों के हाथों पर नंबर जैसे चीज को क्रिएट कर देता है। अब जब भी वो दोनों उस शख्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं वो आसानी से उन्हें घायल कर देता है। वहीं उनके हाथों पर वो नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इधर सुगीन और फरीन उस नंबर के सीक्रेट से बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे। इसी दौरान वो दोनों अचानक से गायब होकर अपने रियल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब सुगीन के होश में आते ही उसे एक अनजान कॉल आती है। इस कॉल को ही तेमुजिन ने किया था। यहाँ वो सुगीन को रिवील करता है कि उसे रियो के अपने कैद में रखा हुआ है, इसलिए अगर वो उसकी जान बचाना चाहता है तो तब उसे कल के गेम में स्टेज 18 तक पहुँचने को कहता है। यहाँ पहुँचने के बाद उसे निशिकेज नाम के प्लेयर को ढूंढना होगा। अब सुगीन ज्यादा कुछ जान पाता उससे पहले तेमुजिन उसको कॉल काट देता है। अब अगली सुबह सुगीन अपने स्कूल में होता है और यहाँ स्कूल के ग्राउंड में किसी के आने से अफरा तफरी मची हुई थी। सुगीन ने जब ध्यान से देखा तो तब उसे वहाँ पर फरीन दिखाई देती है। अब फरीन इतनी खूबसूरत और क्यूट थी कि स्कूल का हर एक लड़का उसके चारों तरफ घूरने लगता है और इसी बीच फरीन की नजर सुगीन पर पड़ती है और वो उससे वहीं से बुलाने लगती है। अब फरीन को सुगीन से बात करते हुए देख स्कूल का हर बच्चा सुगीन से जलने लगता है। अगले पल सुगीन और फरीन बातचीत करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। यहाँ वो बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर स्कूल के कुछ बुली स्टूडेंट आ जाते हैं। ये स्टूडेंट सुगीन की गरीब पर मजाक उड़ाते हैं। एक तरह से वो सुगीन को बुली करा करते हैं। आज भी वो लोग सुगीन को फरीन के साथ देख उसे बुली करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ एक स्टूडेंट सुगीन को उसकी गरीबी के लिए बुला भरा कहता है मगर फरीन उनके इस बात से हैरान होती है। असल में फरीन जानती थी कि सुगीन कोई गरीब नहीं था। उसने अपने पैसे के दम पर राइटन को बड़ी आसानी से हरा दिया था। यहाँ वो उन्हें सभी बुली को सुगीन के बारे में बताती है मगर उन स्टूडेंट को उसके बात पर विश्वास नहीं होता। अब वो बुली सुगीन को खुद को सही साबित करने के लिए रेस्टोरेंट के बिल को भरने को कहती है। इसके बाद फरीन की पूरी नजर सुगीन पर जा टिकती है। हाँ वो सुगीन से अपने गेम करेंसी को बिल भरने के लिए कहती है। अब सुगीन इस बात से हैरान होता है कि वो अपने गेम करेंसी को रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, जिसके बाद वो कंफर्म करने के लिए वेटर को गेम करेंसी से पेमेंट करता है। अगली पल गेम करेंसी से वो बिल भर देता है। इस तरह पहली बार सुगीन को रियलाइज होता है कि वो गेम करेंसी को रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है। वहीं वो बुली स्टूडेंट सुगीन की इस हरकत से हैरान हो जाता है। अब सुगीन इन बुली को गलत साबित करने के लिए अपने डॉर्म में चला जाता है जहां उसके साथ फरीन भी शामिल होती है। अब यहां दोनों को साथ में देखकर डॉर्म के सभी स्टूडेंट सुगीन से जेलस खाने लगते हैं। इधर सुगीन और फरीन सुगीन के कमरे में पहुंच जाते हैं। तो सुगीन को रियलाइज होता है कि फरीन धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी है। उसके हिसाब से गलत था क्योंकि वो रियो को अपने दिल दे चुका था। यहाँ सुगीन उसे रियो को किडनैप वाली बात बता देता है जिसके बाद फरीन उसकी मदद करने का निर्णय लेती है। इस तरह वो दोनों अपने गेम को दोबारा लॉगिन करते हैं और एक झटके में गेम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। गेम के अंदर सुगीन फरीन को तोतेम के बारे में बताता है। इसके लीडर ने रियो को कैद कर रखा था। फरीन को पता था कि तोतेम को लोग काफी खतरनाक है, इसलिए वो सुगीन को सावधानी से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की राय देती है। इसलिए कोई चारा नहीं दिखने पर सुगीन अपने फोन की मदद लेता है। वो ट्विन स्टार से टोटेम को जानकारी देने को कहता है। इधर ट्विन स्टार हर बार की तरह सुगीन पर लाइन मारते हैं, इसलिए फरीन को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से मार देती है। जल्दी सुगीन और फरीन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सभी प्लेयर स्टेज 18 के लिए फाइट कर रहे होते हैं। इधर बैटल ग्राउंड में प्रिशियस का एक लीडर डार्क टाइगर भी शामिल होता है। यहां उसके साथ एक साथी भी मौजूद होता है जो डार्क टाइगर के इशारों पर सभी प्लेयर को मार रहा होता है।
तभी हम खून से भरे जमीन को देखते हैं जहां असलन नाम का लीडर बाहर निकलता है। असलन पूरे बैटल ग्राउंड का लीडर है और उसे सामने देख सभी प्लेयर उस पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां कई प्लेयर उस पर अपने बस्टर आइटम से वार भी करते हैं, मगर असलन पर उन सभी के वार का कोई भी असर नहीं हो रहा था। असलन हर वार के साथ अपने वाउंड को हील कर ले रहा था। वहीं बैटल से कुछ देरी पर हम निशिकेस को देखते हैं जो बैटल में हो रही फाइट को देख रही होती है। यहीं उसकी नजरें सुगीन को ढूंढने में लगी थी। जल्दी वो सुगीन को ढूंढ लेती है और अपने टेलीपोर्ट पावर का इस्तेमाल करके सुगीन के पास आ जाती है। यहाँ निशिकेस डायरेक्ट फाइट के लिए चैलेंज करती है। वहीं निशिकेस अपने पहले अटैक में टेलीपोर्ट मिरर का इस्तेमाल करती है, जब मिरर के अंदर सुगीन के रियू पर नजर जाती है। असल में रियू तेंजुमिन के कैद में ही थी, मगर मिरर के जरिए सुगीन रियू को देख सकता था। यहाँ वो चीखते हुए रियू से बात करने की कोशिश करता है, मगर किसी कारणवश रियू उसकी बातों को सुन नहीं सकती। वहीं कुछ देर कोशिश करने के बाद रियू सुगीन की बातों को सुन सकती थी। यहाँ सुगीन उसे बताता है कि वो जल्दी से उसे रेस्क्यू करने के लिए आएगा। सुगीन की बात चल ही रही होती कि तभी निशिकेस उसके कॉन्टेक्ट को तोड़ देती है। अब निशिकेस रिवील करती कि उसे यहाँ पर सुगीन से मिलने के लिए भेजा गया था। इसी के साथ निशिकेस अपने पावर से सुगीन को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। यहाँ उसे मालूम पड़ता कि सुगीन का शरीर में उसके दादा यानी कि रिकु युकी के मौजूद थे। यहाँ निशिकेस सुगीन से उसे स्टेज पर जीरो पर जाने को कहती है, मगर सुगीन उसकी बातों से इनकार कर देता है। उसके हिसाब से 5 दिन बाद ही स्टेज पर जीरो पर जा सकता है। अब निशिकेस उसे रिवील करते हैं कि स्टेज जीरो पर जाने के लिए उसे 5 दिन का नहीं बल्कि 1 की का जरूरत पड़ने वाली थी। इधर हम असलन को देख जिसकी नजर अचानक सुगीन पर पड़ती है। यहाँ वो बिना देरी के उसके पास पहुँच जाता है। अब असलन रिवील करता है कि सुगीन ग्रेव बस्टर गेम का चूजन वन है, जिसके बाद वो अपने पास से की को निकालकर उसके हवाले सौंप देता है। ये वही की थी जिसके जरिए सुगीन स्टेज पर से एंटर कर सकता था, मगर उसे स्टेज जीरो पर जाने से पहले असलन को फाइट में हराना था। इसी के साथ असलन यूस सुगीन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के शुरू में असलन अपने बुद्धा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जहां वो फुल पावर के साथ सुगीन पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका था। वहीं सुगीन अपनी शॉट को समन करके असलन को ओवरपावर करने लगता है। इस तरह सुगीन असलन को हराने ही वाला होता है, तभी असलन अपने नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहां असलन अपने नए पावर के साथ सुगीन पर ओवरपावर लगता है। इसी दौरान सुगीन का शॉट टूटकर बिखर जाता है। जहां एक तरह असलन और सुगीन में फाइट चली रही होती है, वहीं फेरिन और निशिकेस दूर से उनके फाइट को देख रहे होते हैं। वो दूर रहकर उनके बैटल में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। अब सुगीन की नजर उसके ऊपर जाती है, जहां उसे एक लोटस जैसी चीज दिखाई देती है। असलन रिवील करता है कि लोटस के जरिए सुगीन के पावर को एनालाइज कर रहा है। असल में वो लोटस अगले कुछ सेकंड तक सुगीन के ऊपर ही रहने वाला था, मगर जैसे ही वो गायब हो जाएगा तब असलन अपने पावर का इस्तेमाल से सुगीन के ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि सुगीन को उस लोटस के गायब होने से पहले असलन को हराना था। इसी के साथ सुगीन पूरे दिमाग के साथ असलन की वीकनेस को ढूंढने लगता है। वो अगले पल असलन को अपने फुल पावर से हमला करने को कहता है। अब असलन के ऐसा करते ही असलन को पूरा शरीर ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ असलन को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। इधर सुगीन रिवील करता है कि असलन का पूरा शरीर आयरन जैसे कंपाउंड से भरा हुआ था। वहीं सुगीन के स्वॉर्ड में ऑक्सीजन मौजूद थी। अब सुगीन ने केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए असलन के शरीर में केमिकल रिएक्शन को क्रिएट कर दिया। इस तरह असलन का शरीर सुगीन के शॉट को ब्लो को संभाल नहीं पाता और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। अब सुगीन की समझदारी देखकर असलन उसे प्रभावित हो जाता है। यहीं वो उससे बताता है कि ग्रेव बस्टर गेम में और भी हाई रैंक प्लेयर हैं जो उसके की को पीछे आने वाले हैं, इसलिए असलन उन सभी प्लेयर से सावधान रहने को राय देता है। इधर असलन की बात खत्म हुई थी कि तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो सभी सिल्वर बैक नाम के संगठन से बिलोंग करते हैं। यहां वो सुगीन से उसके की देने को कहते हैं। इस दौरान वो सभी अपने अपने पावर और डिटेल को शोकेस करने लगते हैं। इधर सुगीन उन सभी के बाद अपने डिटेल्स को शोकेस करता है और इन सभी की नजर सुगीन के फाइनेंशियल पावर पर जाती है, तब वो सभी हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ निशिकेस मौके का फायदा उठाकर फरीन और सुगीन को स्टेज जीरो पर टेलीपोर्ट कर देती है। अब स्टेज जीरो पर सुगीन की असलन से मुलाकात होती है। यहाँ असलन के पास सुगीन के बचपन की मेमोरी रखी हुई थी, वो सुगीन को इनाम के तौर पर उसकी मेमोरी को दे देता है। अब अपने मेमोरीज को पाते सुगीन की सारी मेमोरीज अनलॉक हो जाती है। यहाँ सुगीन अपने यादों में अपने दादा को देखता है, जहाँ उसका दादा सुगीन को उसी ट्री के पास ले आता है जिससे उसने कुछ समय पहले गेम में देखा था। यहाँ सुगीन की नजर उसी ट्री पर जाती है जहाँ रियू किसी रिचुअल में कैद होती है। सुगीन के डैड रेवेला कहते हैं कि रियू के शरीर एक खास तरह के ब्लड है जिसके इस्तेमाल से टॉम की रखवाली की जा सकती है। यहाँ वो ट्री रियू के पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी तरह वो ट्री टॉम को प्रोटेक्ट करने लगता है। वहीं इस प्रोसेस के दौरान रियू अपने मेमोरी को खो देती है। रिचुअल के अंत में सुगीन की रियू से मुलाकात होती है। यहाँ रियू काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो अगले ही पल बेहोश हो जाती है। वहीं ये ही सेम रिचुअल
सुगीन के साथ भी होता है और इस पल के बाद सुगीन की मेमोरी गायब हो जाती है। इधर दादा ने असलन के हवाले उसकी मेमोरी को दे दिया था ताकि जब अगली बार सुगीन उससे मिलने आए तो तब वो उसकी मेमोरी को वापस लौटा सके। इस तरह असलन सुगीन को मेमोरी देके अपने ड्यूटी को फुलफिल कर चुका था, इसलिए वो अगले पल वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं असलन के जाते सुगीन को नई पावर जाती है। इस दौरान हम सिल्वर बैग के लोगों को देखते हैं जो अपने लीडर को कांटेक्ट करते हैं या वह सुगीन को डिटेल देते हैं जिसकी वजह से वो की कोड हासिल नहीं कर पा रहे थे। अब सिल्वर बैग का लीडर गुस्से में अपने पावर को रिलीज कर देता है कि पावर डायरेक्ट सुगीन उसके साथी के पास बढ़ रही होती है, पर सुगीन लीडर को उसे हमले को बड़े आसानी से डाइवर्ट कर देता है। इसके बाद हम सुगीन को पावर को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी से अटैच हुई आर्मर होती है। यहाँ सुगीन की आर्मर की वजह से हेल्थ बढ़ चुकी थी। अब सुगीन बिना देरी किए रियू को बचाने की सोच लेता है। यहाँ वो सबसे पहले निशिकेश से उसे मदद करने को कहता है। यहाँ निशिकेश अपने पावर से उसी मिरर को सम्मन करती जिसके बदौलत सुगीन फिर से रियू से बात कर पा रहा था। यहाँ वो रियू को विश्वास दिलाता कि वो जल्दी उसके पास आएगा और उसे बचा कर ले जाएगा। अब उसकी बातचीत चल ही रही होती कि तभी हमारी नजर बैटल ग्राउंड में जाती है जहाँ सिल्वर बैग के सभी लोग आ चुके थे। वो सभी सुगीन को ढूंढने आए थे। इसी दौरान वो सभी सुगीन के तलाश में हर किसी को मार रहे थे। वहीं सिल्वर बैग का लीडर जिसका नाम रोकी होता है वो अपने फुल पावर के साथ सभी को मार रहा था क्योंकि असल में सुगीन को हराकर खुद को लाइन स्टार का टाइटल दिलवाना चाहता था। इधर निशिकेश सुगीन को बाकी लोगों की चिंता न करके अपने मिशन पर चलने को कहती है। अब हमारा हीरो सभी की चीखें सुनकर खुद को उनकी मदद करने से रोक नहीं पाता। इसी के साथ सुगीन पूरी ताकत के साथ ग्योकू पर हमला करता है मगर ग्योकू की पहले ही वार से सुगीन की जान खतरे में आ जाती है। मगर तभी वहाँ पर टोटेम का वही शख्स आ जाता है जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था। यहाँ वो ग्योकू के सामने आकर सुगीन की जान बचा देता है। इस शख्स का नाम पर्पल होता है और वो एक तरह का डॉक्टर था। यहाँ पर्पल अपनी पावर से सुगीन के वाउंड को हील कर देता है जिसके बाद हम पर्पल को देखते पूरी ताकत के साथ ग्योकू पर वार कर देता है। इधर ग्योकू की ताकत ज्यादा ही थी इसलिए वो पर्पल पर भारी पड़ने लगता है। पर्पल की मदद के लिए उसके और भी साथी आ जाते हैं। यहाँ वो सभी साथ मिलकर ग्योकू को हर तरह से कैद कर लेते हैं मगर ग्योकू किसी से कम नहीं था इसलिए अपने आप खुद को जाइंट में तब्दील कर लेता है। इस तरह वो फिर से हर किसी पर भारी पड़ने लगता है। जल्दी ही पर्पल को समझ आ जाता है कि उसे सुगीन से मदद लेनी होगी। यहाँ वो सुगीन को जल्दी एक नए प्लान के साथ को आने को कहता है वरना ग्योकू उन सभी को मार देने वाला था। इधर सुगीन इस बात से हैरान था कि आखिर इतना ताकतवर होने के ग्योकू किस चीज का हासिल करना चाहता है। असल में ग्योकू खुद को लायन स्टार का टाइटल दिलवाना चाहता था जिसके लिए उसे बिलियन करेंसी की बैरियर को क्रॉस करना है मगर ग्योकू तब तक उस टाइटल को हासिल नहीं कर सकता जब तक वो उस टाइटल को बंदे को फाइट में हराना दे। इधर ग्योकू समय के साथ उन सभी पर भारी पड़ रहा था। यहाँ उससे टक्कर लेने के लिए एक मेंबर उस पर अपने ट्री पावर से वार करता है और मगर ग्योकू उससे भी बड़े आसानी से टक्कर दे रहा था। अब हम सुगीन को देखते हैं जो ग्योकू से लड़ने के लिए बैटलफील्ड में उतरने का डिसाइड करता है। यहाँ उसकी नजर ग्योकू पर जाती है जो अपने वेपन का रिचार्ज करने में लगा था। इसी बीच सुगीन मौके का फायदा उठाकर अपने पावर को अनलॉक कर लेता है। यहाँ सुगीन के पावर एक्टिवेट होते और ग्योकू के वेपन भी रिचार्ज हो जाता है। इसके बाद ग्योकू फुल पावर के साथ निशिकेश पर वार कर देता है। असल में निशिकेश उसको चुपके से एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी। अब इसी दौरान ग्योकू अपने वेपन से हर किसी पर वार करता है। एक समय तक उसे लगने लगा कि वो सभी लोग मर चुके हैं मगर ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। उसने सुगीन की पावर को अंडरएस्टिमेट किया था। असल में सुगीन ने अपने पावर का इस्तेमाल करके हर किसी की जान बचा ली थी। अब सुगीन की नई पावर को देखकर ग्योकू का और भी ज्यादा जोश बढ़ जाता है। ये पहला व्यक्ति था जो अपने एनिमी का पावर को देखकर खुश था। असल में ग्योकू हर समय बैटल की तलाश में रहता है। वो स्ट्रांग से स्ट्रांग ओपोनेंट से लड़कर खुद को लोन स्टार का टाइटल दिलवाना चाहता है। अब उसकी इसी जीत की वजह से सुगीन के पावर से खुश हो जाता है। इसी के साथ ग्योकू की नजर सुगीन पर टिक जाती है और वो उससे फाइट करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है मगर निशिकेश जो उसके पावर से वाकिफ था वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो ग्योकू को बताते कि अगर वो फाइट को रोक देगा जब वो अपने लीडर यानी कि तेंजुमिन से लड़ने के लिए मौका देगी। तेंजुमिन भी बिलियन प्लेयर में शामिल था। तेंजुमिन जैसे प्लेयर से लड़कर ग्योकू का काम और भी आसान होने वाला था। वो बिना हिचके निशिकेश की बातों में सहमत हो जाता है। यहाँ ग्योकू के दिमाग में कुछ बाधा करने का विचार था। वो तेंजुमिन को हराकर लोन स्टार टाइटल का साथ टोटेम का लीडर भी बनना चाहता था। इसी के साथ ग्योकू अपने फाइट को रोक देता है और वो सुगीन के साथ शामिल हो जाता है। इस तरह सुगीन की टीम में कुछ और मेंबर्स भी शामिल हो जाते हैं जिनकी मदद से रियू को रेस्क्यू करने चल देता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।